बाप रे, इतना रोड खराब। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर सभी लोग तेल ले रहे हैं, हमारे टीम के सभी खिलाड़ी लोग। और हम लोग पहले ले चुके हैं तेल, तो अब हम लोग यहाँ से लगभग हम लोगों को अभी 20 किलोमीटर और जाना है यहाँ से, जहाँ पर हम लोगों का मैच होना है, जहाँ मैदान है डोरिया सोनापुर। पता नहीं वीडियो अपने आप कैसे बंद हो गया था। बहुत भीड़ है अभी, उतना भीड़ भी नहीं है। देख सकते हैं एक बाइक में चार चार आदमी बैठे हैं, देख सकते हैं इधर भी चार है, इधर भी चार। एक हम लोग का खिलाड़ी है जो तोड़ दिया है। मारो लगा दे तयम से चुपी से तेना बाद गोल ना गोद हां ये चे दुकरो हरमो या जस करे काम अडी पुरो जेल करे ओ ना ओ का तो ना वाली पोला पे और जिकी जिकी तो ना हमारे से गंगा जता ब्रेक लग रहा है, चिकट चला रहे हैं ना बाइक से बैठा हो ना ये थे और मोड़ थे। हाँ बोला उनकी टिंपू बोला उनके तिंगो के एक दिन कोई हो एक अंत है। अच्छा आप करा करा बुकबु हम लोगों ने रोड में जाम लगा दिया। अब जाम लगा दिया गया है, हम लोग अभी निकल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं पंप से। मिर्जापुर ले परम के अबे तो करे सिंगल रोड में यही आ जाओ। तो पेट्रोल पंप पर लगा के ना लिया है ना पिया गाड़ी। एक चार चक्का भी नहीं यहाँ से नहीं टप सकता है ना लिया गारो ना लिया पिया गाड़ी गारो हो तो चार चार आठ तीन गारो हम जगह अजू कितना नहीं लाता कितना रखा है जुप्पे। मेरे बाइक में तीन तीन लोग बैठे हुए हैं और दो गाड़ी में चार चार लोग बैठे हुए हैं, और एक गाड़ी है जो हम लोगों से पीछे शायद आ रहा है वो लोग, उसमें भी तीन आदमी हैं। अब पता नहीं पुलिस वाले लोग आगे ना मिल जाए। हम लोग ऐसे रूट से जाएंगे जहाँ पर पुलिस ना मिलने की उम्मीद हो। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस ना मिले, क्योंकि हम लोगों के पास बाइक कम पड़ गई, इसीलिए हम लोग चार चार तीन तीन लोग एडजस्ट करके किसी तरह आ रहे हैं। सिंगल लेन में ये प्रॉब्लम है कि दो गाड़ी इधर से उधर नहीं टप सकती है एक साथ में। और किधर किधर चलाता है ये गेट लगा, ये गेट को काय कर रखे तेरे कैसे में तो गेट वेट लेकर चल जाएगा। हम लोग अजू तरह का जाओ यार, अब गेट थोड़ा सा खुल जाता तो हम लोग शायद गिर भी सकते थे और गेट को लेके भी जा सकते थे। हम लोग गिर भी सकते थे साथ में गेट को भी लेके जा सकते थे। अभी देखिए हम लोग देख सकते हैं आप लोग सिंगल रोड में एक यही प्रॉब्लम है, कहीं से भी किधर से भी बच्चा हो, कोई जानवर हो, बकरी हो, मुर्गा मुर्गी हो, किधर से भी आ सकता है। हम
कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग को जाना पड़ रहा है। इतना कठिनाई करके जाना पड़ता है, जाना पड़ रहा है हम लोग को, देख पा रहे हैं। इस सिंगल रोड में भी देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी उड़ा उड़ा के लेके जा रहा है। हम लोग जहाँ पर तेल हम लोगों ने भराया उस जगह का नाम था मिर्जापुर, और उसके बाद आने वाला है आप लोगों को बता दूँ रजोखर। रजोखर बाज़ार जो कि आपको रानीगंज होते हुए जब आएंगे तो आप लोगों को ये वो मार्केट आप लोगों को मिल जाएगी रजोखर, जो आपको कनेक्ट करती है ये रास्ता। क्या कहते हैं अररिया होते हुए सिल्लीगुड़ी, और हम लोग अभी जा रहे हैं ये रजोखर में मिल जाएगी ये रोड। रजोखर अररिया आरएस, तो हम लोगों को यहाँ से अभी 2 बजे हम लोगों को बोला गया है कि आने के लिए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उससे पहले ही हम लोग पहुँच जाए। अभी 50 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, ठंड भी बहुत लग रही है यार, जैकेट पहन लेना था हमको। यहाँ से लगभग हम लोग को अभी 30-40 मिनट और लगने वाला है या उससे भी अधिक शायद। गूगल मैप में मैंने नहीं देखा कितना किलोमीटर है, शायद हम लोग को लगता है 30-35 किलोमीटर शायद हो सकता है। ये हम लोग आ गए हैं विनोदपुर, विनोदपुर उसके बाद आपको मिलेंगे रजोखर बाजार। इस सिंगल रोड में ट्रक वाला भी शुरू नहीं कर रहा है, जो कि देख रहे हो, देख रहा है विनोद कैसे ट्रक को चलाया जा रहा है उड़ा उड़ा के। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है हम लोग को, Thank you.
एक ट्रैक्टर वाला भी अपने धुन में एकदम लगा हुआ है। और यह है यहाँ का पार्क, कुछ खास नहीं है ये, अभी कुछ साल पहले ही नया नया बना है, क्या देख सकते हैं। यहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे उद्घाटन करने के लिए इस पार्क का। यहाँ से आप देख सकते हैं रजोखर सीमा प्रारंभ, जो कि यहाँ से अब अररिया स्टार्ट हो जाती है। वैसे हम लोग भी अररिया डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, लेकिन यहाँ से अररिया ब्लॉक प्रखंड यानी कि वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ट्रैक्टर वाला भी सिंगल रोड में एकदम 50-60 के स्पीड या उससे ज़्यादा की स्पीड में चला रहे हैं। आपको गांव देहात में से यानी आपको कम से कम 30 की स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी किधर से भी कोई भी बच्चा निकल सकता है या कोई जानवर। मुर्गा मुर्गे देख सकते हैं दो, यहाँ पर बकरी के बच्चे मेमने, यहाँ पर मेरे साथ एक बार कुछ एक्सीडेंट हो गया था, एक बच्चे को ठोकर लग गया था जब अभी बच गया दो मुर्गी। मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, 30-35 के लगभग मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और अंडर 40 के स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी। और गांव देहात में जो है कि कोई भी जल्दी हटने को तैयार नहीं होता है। देख सकते हैं ये हैवी ड्राइवर का, आप लोगों को देख सकते हैं हैवी ड्राइवर, ये था हैवी ड्राइवर। साइकिल वाले भी अपने आप को एकदम कुछ अलग हैं। स्लो स्लोली स्लोली देख सकते हैं साइकिल वाला, ये साइकिल वाला भी अपनी ही धुन में जा रहा है। साइकिल का स्पीड लगभग 40 किलोमीटर पर आवर से हो सकता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं रजोखर बाजार, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ रजोखर बाजार। यहाँ भी इतनी भीड़ रहती है कि कोई बता नहीं सकता। अभी तो कुछ खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पर आपको 3 बजे से 2 बजे से लेकर के इतनी भीड़ रहती है, यहाँ आपको एक कदम बढ़ाने का जगह भी नहीं मिलेगा, इतना भीड़ रहता है यहाँ। रुक जाइए सर, कहाँ लेके जा रहे हो रे बाबा। टर्न लेफ्ट, ये था यहाँ का रजोखर बाजार। और हम लोग यहाँ से जाएंगे RS होकर के, हम लोगों को 4 लेन पकड़ना है।
NH जो कि पूर्णिया से होते हुए अररिया होकर के जो निकल करके आते हैं। हम लोग शॉर्टकट होकर के निकल रहे हैं यहाँ से ताकि हम लोगों को पुलिस ना मिले, क्योंकि हम लोग तीन बाइक हैं जिसमें कि दो बाइक में चार चार हैं और एक में हम लोग तीन हैं। और गाड़ी का पेपर भी छूट गया घर में, क्या 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 है ना ही मिले तो ही अच्छा। हैवी ड्राइवर ओ बारे हम लोग पहुंच चुके हैं अररिया आरिश कोडिया टोला। जो कि एक फेमस जगह भी है, जो कि हम लोगों का यहाँ स्टेशन है, ये पुराना स्टेशन जो कि इसके बाद अररिया जिला बनने के बाद अररिया कोर्ट स्टेशन बन गया, तो वहाँ पर गाड़ी रुकती है। अब ज़्यादातर यहाँ पर कम ही रुकती है। ये भी एक स्टेशन है, स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है अररिया कोर्ट स्टेशन, अररिया आरएस स्टेशन। आरएस हाँ आरएस आरएस बहुत दिनों के बाद इधर आना हो रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नहीं आते हैं। हम लोग अगर स्टेशन भी आना होता है तो हम लोग अररिया कोर्ट स्टेशन ही चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से एक्सप्रेस हो या कोई भी ट्रेन वहाँ पर रुक जाती है, तो वहीं से पकड़ना ट्रेन पकड़ना आसान होता है। यही एकमात्र स्टेशन हुआ करता था पहले, लेकिन यहाँ से अब अररिया कोर्ट स्टेशन शिफ्ट हो गया, तो हम लोग अब वहीं पर जाते हैं। इधर आना बहुत कम होता है। इधर मार्केट हो गया आपको, यहाँ का सब्जी मार्केट लगता है। और ये बस स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, सॉरी मोहनी देवी मेमोरियल स्कूल का, बोरा वाले अंकल थोड़ा लेटर दो। यहाँ पर शायद नगर पंचायत चुनाव का रैली चल रहा है इन लोगों का। और यहाँ एक और बस स्कूल बस, मोहनी देवी मेमोरियल स्कूल। बहुत सारी बसें हैं इस स्कूल की, 50 से भी ज़्यादा। चलो सर चलो सर चलो सर, अरे अंकल चलो। ये इधर स्टेशन, आप लोग इधर नया स्टेशन बन रहा है, स्टेशन का कुछ भाग जो पुराना ध्वस्त हो चुका है वो। Beep, beep, beep.
अब हम लोगों को कुछ उबड़ खबड़ रास्ता मिल गया है। अब यहाँ पर कितने दूर ऐसे जाना पड़ रहा है हम लोग को, एक छोटा रास्ता गली होकर के हम लोग जा रहे हैं। 4 लेन हम लोगों को पकड़ना है यहाँ से। देख रहे हैं जानवर के बीच में आ गए हैं। ओए हाय गौ माता जा रहा बगल हो जाओ। और छोटी छोटी गली, पता नहीं कितने दिनों से ये रोड बना नहीं है, इसका कोई माँ बाप है या नहीं इस रोड का देख रेख करने के लिए। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इसे 4 लेन बना देता। दो हजार 2024 में मेरा उम्मीद शायद हो सकता है प्रधानमंत्री बनने का। अगर आप लोग मुझे बना देंगे तो मैं जरूर इस रोड को 4 लेन बना दूंगा और ऊपर से लेकर के जाऊंगा इसे, इस रोड को। नीचे से कोई नहीं आएगा जाएगा, सब ऊपर से जाएंगे। ऊपर से? हाँ सब लोग ऊपर से जाएंगे। ये रोड 5 साल शायद, सॉरी 5 साल नहीं, 3 साल से लगभग बन रहा है ये, अभी तक बन के पूरा भी नहीं हुआ है। हर साल इसमें कुछ गिट्टियाँ इसमें गिराए जाते हैं और छोड़ दिया जाता है। अरे बाबा देख सकते हैं कैसा कैसा रोड है। ये है गांव का रोड, गांव का रोड भी कुछ कमाल का। ऐ परी परी यहाँ से अब लेफ्ट लेना है। हाईवे भाई मुर्गी वैज्ञानिक सब आ गया है, ट्रैक्टर को भी ये बना देता है। जुगाड़ है ये, जुगाड़ इंसान का जुगाड़ कैसे कैसे कर दिया है। ये जुगाड़ सिर्फ इंडिया में मिल सकता है और कहीं नहीं। ट्रैक्टर को इंजन को मील में लगा दिया गया है। जुगाड़ देख रहे कैसे, अब यहाँ भी देख सकते हैं ये भी एक जुगाड़ है, एक साथ में हल भी है और क्या कहते हैं उसके साथ में चौकी, ये भी एक जुगाड़ है। अरे अब लग गया है हमको सुसु। ठंडे में कुछ ज़्यादा ही लगती है। आजकल की लड़की, अरे बाप रे ये रोड कब बनेगा। ये है वन विभाग का ये जमीन है, वन विभाग का।
यही करेंगे ये, यहाँ आप देख सकते हैं। ओ सॉरी, परी परी परी, यहाँ पर जंगल में मंगल हो रहा है। रुको, हमको तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देख सकते हैं किस तरीके का रोड है यहाँ पर। हम लोग 4 लेन पहुँचने वाले हैं NH, जो कि ये रोड जाती है। ये NH कहाँ जाता है पता नहीं, पता करना पड़ेगा गूगल से। अरे वो लोग किधर गया, इधर लेफ्ट। हम लोग अब पहुंच गए हैं NH 36। हम लोग साइड से निकल चुके हैं, निकल गए हैं ये लास्ट वाले लाइन से, क्योंकि हम लोगों को शायद यहाँ से भी आगे जा कर के लेफ्ट लेना है। तो कहीं उस वाले लाइन में रहेंगे तो शायद निकल नहीं सकते हैं, कहीं पर निकलने का जगह नहीं दिख रहा है। अब देखा जाए, देख सकते हैं यहाँ हाईवे पर निदान और घास वगैरह रख दिया गया है। देख सकते हैं ये है कमाल बिहार का। NH में ही चल रहा है ये धान की तैयारी। गाय बकरी कुछ दिन के बाद NH पर ही घर बनाया जाएगा ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं ईटा सब NH में रख दिया है। लोगों को ऊपर वाला लाइन से ही जाना था। एक किधर चले गया वो लोग, कहाँ दिख रहा है। Thank you.
अरे किधर चले गया वो लोग? अरे किधर चले गया? ओ सीधे या हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये है डोरिया। डोरिया और यहाँ का ये डोरिया सोनापुर का ये स्कूल। किधर गया वो लोग? इधर हम लोग रास्ता भूल गए थे और हम लोग को यहाँ से राइट लेना है। जो कि एक गली में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से कितना दूर फिर इस तरीके से जाना पड़ता है। हम लोग दो दो बरस का देखे हम लोग अब फिर से रास्ता भटक गए हैं फिर से। हम नहीं जाए रे अब बहुत रास्ता भटकने के बाद शायद हम लोग बहुत करीब आ चुके अपने मैदान में शायद पहुंचने वाले हैं। अब पता नहीं आगे रास्ता तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। ओरे बापा ऐसे बड़ा पड़ा ये रास्ता। अरे यार हम लोग कितना बालू और बहुत ही खतरनाक रास्ता पार करते हुए। वो भी हम लोग तीन तीन लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर बहुत मशक्कत और बहुत परेशानियों के बाद हम लोग अब अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं। बहुत रास्ता भटकने के बाद बहुत कठिनाइयों के बाद यहाँ पर अब हम लोगों का गाड़ी चढ़ पाता है क्या? नहीं। जय हो बाबा विश्वकर्मा चढ़ा दे। हम लोग चढ़ चुके हैं फाइनली। अब हम लोग चढ़ा दिए। देख सकते हैं ये है यहाँ का मैदान डोरिया सोनापुर। इधर एक गोल है और एक गोल इधर है इस साइड में। और साफ़
तो पेट्रोल भरा चुके हैं यहाँ से, अब सीधे घर की ओर निकल गए हैं। दो आदमी बोल रहे थे कि प
पता नहीं कौन था, लेकिन मुझे किसी को नहीं ले जाना, अनजान आदमी है। कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब निकल चुका हूँ घर। एक बच्चा भी था यार, ले लेना था। मुड़ जाओ क्या, मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। किसी को लिफ्ट देते देते अपना ही लिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो ठंड साले इतनी लग रही है ना कानों में, क्या बोला जाए। हेलमेट के अंदर टोपी पहन ले रहा था। और गाड़ी हमारे चल रही है लगभग। ओ या बोरा गिर गया। अंकल जी का बोरा गिर गया। और ये मंदिर यहाँ का, वीडियो कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताएं। घर से आते वक्त तो मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया था। जब मैं यहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि मैंने वीडियो ही ऑन ही नहीं किया। बड़ा अफसोस हुआ यार आते वक्त तो मैंने, आते वक्त जो नज़ारा था वो कुछ और ही था, पता नहीं कैसे मैं भूल गया। ये हरे हरे खेत, ये नज़ारे ही कुछ और है गांव के, देख रहे हो हरे हरे हरियाली। परियां भी दिख रही है, परियां समझ रहे हो ना। इतनी ऊंची बना दिया है यहाँ का ब्रिज, क्या इस पार से उस पार आने जाने वाला आदमी कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है। ये हमारे रिश्तेदार रोड पर जाते हुए, ये गुणवंती चौक। जैकेट पहनी है लेकिन ठंड इतनी लग रही है ना, क्या बताओ, कानों में सीधी चली जा रही है ठंड। ये हरी हरी हरियाली गेहूं के खेत, क्या नज़ारे। और है ये यहाँ का गुणवंती का ये पुराना मठ, शिव मंदिर। यहाँ पहले राजा महाराजाओं के टाइम पर यहाँ पर पूजा हुआ करते थे। और इधर है ये हमारा नया पावर ग्रिड, यहीं से हमारे घर की ओर बिजली जाती है। ज़्यादा
स्पीड में भी नहीं चलाना चाहिए यहाँ पर। कहीं से भी बकरी हो, बच्चे हो, मुर्गा मुर्गी कहीं से भी आ जाते हैं। इधर देख सकते हैं आप हरे हरे हरियाली, मक्के के खेत, ये सिर्फ गांव में ही आपको दिखेंगे। गांव का जो नज़ारा है वो कुछ और ही है, देख सकते हैं। ये है बिहार, यहाँ गाड़ियों में कुछ भी लदा जा सकता है, आदमियों को भी लदा जाता है, देख रहे हो। रोड में ही इनका काम चल रहा है, अगर कोई बड़ी गाड़ी स्पीड से आ जाए तो क्या होगा। आप सीधे यमराज आएंगे आपको लेने। पर ये घास जो बगल बगल जो रख देते हैं ना, ये बहुत बुरा लगता है यार। किसी का अगर किसी की गाड़ी ठोकर लग गई उसमें बाइक, तो उसका क्या हाल होगा। ये तो गिरने वाला ही जाने। लब जाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, ताले इतनी चौड़ी रोड में तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा है ट्रैक्टर। और यहाँ आगे है मिल चौक, ये है गुरुमंती का एक, यहाँ का मार्केट चौक आप जो कहें, क्योंकि यहाँ किस दिन हाट लगता है यहाँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ गजब का है ये नज़ारा, आप देख सकते हैं। यहाँ हॉर्न इतनी बजाई जाती है ना यहाँ पर, क्या बता, कानसन हो जाता है, सन या सुन। यानी हॉर्न सुन सुन के सन हो गए है कान, इतने बजाते हैं लोग। देख रहे हो चाचा को कितनी जल्दी है इसको इस पार से उस पार टपरेगी। चाचा इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप सीधे आपको लेने साइड से नहीं सीधे ऊपर से आएंगे। ये हम लोग आपने देखा होगा पीछे वहाँ पर लिखा था 30 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं इस रोड पर, लेकिन क्या बताओ यहाँ पर तो 50 पे चल रही है मेरी गाड़ी, क्या करो फिर है ना। देख सकते हो आप, यह है बिहार, और ये रोड है आपको पूर्णिया जाने वाली, जो अररिया रानीगंज जो NH है, SH जो है उससे आपको ये मिलाती है हासा कमलपुर में, और ये सीधे आपको जाती है जो मैं सामने जा रहा हूँ, ये चली जाती है पूर्णिया गिरजा चौक। आप अगर ये सीधे जाएंगे ना, सीधे आपको पहुँचा देगी ये रोड गिरजा चौक। कमाल का नजारा है,
और हम लोग अभी आए हैं, ये है बसेठी बाज़ार। यहाँ से आपको दिल्ली पटना के लिए बसें मिलती है। दिल्ली के लिए आपको सुबह में मिलेंगे यहाँ से, और पंजाब दिल्ली सॉरी पटना के लिए आपको यहाँ पर शाम में मिलेगी। और दिल्ली पटना पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ आप जहाँ भी जाएं वो बसें आपको सुबह में 5 बजे यहाँ से मिलती है। ये है बस अड्डा यहाँ बसेठी का। और इसके बाद है यहाँ पर आप, इसके बाद हम पहुँचेंगे बसेठी का मेन मार्केट। मार्केट तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को क्योंकि मुझे काम है घर में। और ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन बसेठी का। हम लोगों का यही पुलिस स्टेशन है। हेलमेट क्यों नीचे भागती जा रही है मेरी। एक बैंक में तो काम हो गया और ये दूसरा बैंक, लेकिन मैं यहाँ आज नहीं सोमवार को आऊँगा यहाँ पर। और ये गजब का नज़ारा है यहाँ का बसेठी बाज़ार। पहुँच चुके हैं, ये है बसेठी बाज़ार। मैं आपको रास्ते से आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा नज़ारा है। मैं इसको स्लो मोशन में चलाने की कोशिश करूँगा। और ये इधर जाती है ये मेन मार्केट, और ये हम निकल चुके हैं यहाँ से अपने घर की ओर। हॉर्न बजाना एकदम बहुत जरूरी है। हालांकि कोई हटता ही नहीं है रोड से। यही तो बिहार है। और इधर क्या हो रहा है, ये लगता है स्लो मोशन में दिखाना पड़ेगा लगता है। शायद ये है कोई यात्रा होगी, शायद रथ यात्रा शायद यहाँ से निकली थी। शायद ये रथ यात्रा ही थी। लगता नहीं है, ये रथ यात्रा ही थी शायद। और यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर क्या होता है यार, मैंने तो नहीं जानता रथ यात्रा। देख सकते हैं आप यार, नारियल फेंक दिया मेरे गाड़ी के आगे, मैं गिर भी सकता था। बच्चे का हाथ पे था, वो फिसल गया उसके हाथ से। अगर मेरे पीछे कोई गाड़ी रहती तो मैं मुझे भी ठोक सकती थी। मैं इतना शुद्ध हिंदी बोलता हूँ क्या, मुझे तो आज मालूम पड़ा है। ये सुहाने पर ये मुलाकातें, छोटे से रथ यात्रा होगी शायद इन लोगों की। यहाँ पर जो पीछे नारियल जो बच्चा गिराया था वो वहाँ पर शायद ख़त्म हो गया उन लोगों का। जाते वक्त तो मुझे नहीं मिला था और मैंने वीडियो भी ऑन नहीं किया था जो आप लोगों को दिखाता। और ये हरी हरी हरियाली यहाँ का आप देख सकते हैं, ये है बिहार। आजकल पंजाब हरियाणा के लगभग में बिहार में भी अब मक्के की खेती और गेहूं की खेती
की जाती है लगभग लगभग। हम लोग कभी कभी यहीं पर आके फोटो शूट करते हैं। यहाँ आप देख ये बताओ ये क्या है यहाँ पर। रोड पर चल रहे हैं और गाड़ी आ रहा है आगे से और उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बकरी को अच्छा से पकड़े या बच्चे को। और ये हम अपने छोटी सी एसएच से स्मॉल रोड से हम अब अपने गली की ओर और ये रास्ता जाती है मेरे घर की ओर। लगता है यहाँ बुलडोजर बाबा को बुलाना ही पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों को आप देख लो, इनके गाय हो गए, बकरी हो गए, सब कुछ इनके रोड पर ही रहते हैं सारे। ये रोड 5 साल भी नहीं टिकी तो और ख़राब हो गई इतनी जल्दी कि क्या बताएं आपको। यह है ठेकेदारों का कमाल और इंजीनियरों का मिला जुला सरकार। सरकार तो वैसे नीतीश कुमार की थी बिहार में, लेकिन रोड बनाने वाले ठेकेदार और क्या कहते हैं उसको इंजीनियरों की मिली भगत से अपने अपने पॉकेट गर्म करने में ही रह गए और रोड को गर्म करना ही भूल गए कि इनमें टारकोल डालना था और इसे गर्म करके डालना था। देख रहे हैं ये शायद 2018 में बनी और 2022 चल रही है। 2022 आते ही ख़त्म होते हैं ये रोड भी ख़त्म। क्या नज़ारा है इस रोड का। और इधर आप देख सकते हैं मक्के, इधर रोड के साइड में भी लगाया गया है लेकिन ये अभी छोटा छोटा है क्योंकि यहाँ पर इस खेतों में धान वगैरह थे तो इनमें पानी भरा हुआ था, तो पानी में तो कुछ लेट से ही धान को कटा जाता है। और यहाँ देख सकते हैं आप मछली मारा जा रहा है यहाँ। इस ठंडे में मुझे तो गाड़ी में ठंडा लग रहा है, इन लोगों को पानी में ठंडा नहीं लग रहा है। और इधर आप देख सकते हैं अभी मक्का रोपा जा रहा है। ये है नजारे, मेरे हेलमेट क्यों बार बार नीचे घसकते जा रही है।
देख रहे हैं, अब बड़ी गाड़ी आएगी तो ये कहाँ से जाएगी। आगे से ट्रैक्टर आ रहा है और ये रोड के बीचों बीच ही अपने ऑटो को लगा दिया है। अब तो लगता है मुझे गड्ढे पे जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं रोड का हालत, देख लो भाई लोग हालत रोड का। 5 साल से पहले ही रोड का काम तमाम और पब्लिक कुछ बोलती नहीं है। जब यहाँ रोड नहीं बन रही थी तो हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था कि पहले रोड उसके बाद वोट। तो बहिष्कार किया था हम लोगों ने वोट का, तो बूथ का ही हम लोगों ने बहिष्कार किया था, वोट का क्या। हम लोगों ने एक बूथ में, एक सेंटर में हम लोगों ने वोट ही नहीं किया था। पहले वो रोड बनाएंगे फिर आप फिर वोट होंगे, तो उसके बाद से ही कुछ दिनों के बाद ही रोड का काम स्टार्ट कर दिया गया। मामो ये पुलिस की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है, शायद ट्रेड बार निकली आई हुई है। ये देख सकते हैं आप वर्दी वाले, ये है ठुल्ले मामू। आप जो भी कहे, दिल्ली में से ठुल्ले बोला जाता है। ये रेड मारने के लिए आए हैं, शराब पकड़ने के लिए, क्योंकि आदिवासी बस्ती है ये गांव और यहाँ पर सभी शराब वगैरह बनाते हैं, तो मालूम है उन लोगों को कहाँ कहाँ शराबें बनते हैं। वो लोग टाइम टाइम पर यहाँ पर छापेमारी करते हैं ताकि कोई शराब ना बनाए। लेकिन क्या करें, हालत ही कुछ ऐसी होती है लोगों की कि वो मजबूर हो जाते हैं बनाने के लिए, क्या करें। और ये था पीछे जो आपने देखा, ये था चौक तार टोला, इसे बोला जाता है बरेली। उसके बाद हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं घर की ओर। मोड़ ही कुछ जैसे देख सकते हैं आप, इनका मटेरियल रोड में ही बन रहा है। अब इसको कुछ बोलेंगे तो आप कहीं चढ़ जाएंगे कुदाल लेकर के, इसलिए। और ये भाई साहब लेकर के जा रहे हैं सब्जी, वो चौक पर जो मैंने पीछे आपको दिखाया। देख सकते हैं रोड में है एकदम, इनका भी मटेरियल रोड में ही बना जा रहा है। मेरे हेलमेट आज क्यों इतनी बार बार सही, कुछ ज़्यादा ही और हिल रहे, पता नहीं शायद ये हेलमेट ढीली हो गई है या कुछ, फोन को स्टेबल नहीं रख पा रही है।
देख रहे हैं आप, बहुत चल रहे हैं। इधर तो गाड़ी भी नहीं हिल रही जितना मेरी हेलमेट हिल रही है। देख सकते हैं बीच रोड में ही घास भूसे को रख दिया गया है। अब वहाँ पर बीच से तो मैं नहीं निकल सकता, और बच्चे हैं आगे में तो सुलू तो करना ही पड़ेगा, सुलू तो करना पड़ेगा मेरी जान, नहीं तो एक्सीडेंट होंगे। और ये हम पहुँच गए हैं अपने घर गांव। और ये मैं पहुंच गया अपने घर, अपने छोटे से कुटिया में।